हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डीएसएम टेक में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एचडीएफसी में अकाउंट किस तरह से खुलता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या खास है इसमें और किस लिए आपको एचडीएफसी में अकाउंट खुलाना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट बैंक है। ठीक है, तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि एचडीएफसी में अकाउंट खुलाने के लिए सबसे पहले आपको एक चेक बुक रहना चाहिए, आपको स्टेट बैंक का हो, पीएनबी का हो या किसी बैंक का, जिसमें आपको नीचे में ये आपका पूरा चेक ब्लैंक रहना चाहिए। यहाँ पे आपको नाम रहना चाहिए जो आपने जिस नाम से अकाउंट है और जिस नाम से आपको अकाउंट खुलाना है। चेक में आपको 10,000 रुपया 20,000, कम से कम 10,000 रुपया रहना चाहिए। ठीक है, किसी बैंक के बगैर चेक के वहाँ अकाउंट नहीं खुलेगा। आप किसी भी बैंक का चेक ले जाइए, पीएनबी हो, स्टेट बैंक हो आपको, या किसी भी बैंक का आपको चेक उसमें रहना चाहिए। यहाँ पे आपको उसमें नाम लिखा रहना चाहिए। ठीक है, आपके पास चेक नहीं तो आपका मम्मी पापा या किसी का भी चेक लगेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आप चेक दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका किसी का भी चेक लगेगा उसमें, तभी आपका ये एचडीएफसी में अकाउंट खुलेगा। ठीक है, एचडीएफसी में जाइएगा तो आपको बोली उस वहाँ पर बोलिएगा, असिस्टेंट बैठे रहते हैं जो हेल्प के लिए, उनको बोलिएगा कि मैं अकाउंट खोलाना चाहता हूँ, तो आपसे वो चेक मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे। ठीक है, और आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अकाउंट भी खुलता है, और जनरल अकाउंट जो भी होता है सेविंग अकाउंट, उसमें आपको कम से कम 10,000 रहना चाहिए और पर डे 10,000 रहना चाहिए, नहीं कि आपको मंथली है। आपको किट मिलेगा जिसमें आपको पासबुक रहता है, पासबुक ये फर्स्ट टाइम लीजिएगा तो पूरा ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, दूसरा में आपको चेक उसी वक्त मिल जाएगा, चेक में भी आपको सिर्फ अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, आपका नाम इस पर अंकित नहीं रहेगा। ठीक है, आपको चेक उसी तरह आप और भी इसमें यह रहता है, किट में एक किट मिलेगा। ठीक है, एक प्लास्टिक में पूरा कवर में ये सब एक ही कवर में रहता है। ठीक है, उसमें सिर्फ अकाउंट नंबर सब में मेंशन रहता है। ठीक है, आपका नाम मेंशन नहीं रहेगा, अकाउंट नंबर है और इतना टोटल नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम कार्ड है, टोटल का उसी वक्त आपको मिल गया। मैंने आपको चेक दिखा ही दिया कि चेक ऐसा रहेगा चेक। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका अकाउंट नंबर रहेगा, आपका नाम नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है पासबुक रहेगा, पासबुक फुली ब्लैंक रहता है लेकिन इसमें अकाउंट नंबर मेंशन रहेगा। ठीक है, और जो आपको ये मिलेगा इसमें आपको अकाउंट नंबर लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है चेक बुक 1, कार्ड 1, नेट बैंकिंग पिन के साथ है, पासबुक है, कार्ड पिन के साथ है। ठीक है, तो ये आपको जो बॉक्स रहेगा वो बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका एटीएम कार्ड का पिन रहता है। ठीक है, एटीएम कार्ड का पिन ओपन कीजिएगा तो पीछे में आपका एटीएम कार्ड का पिन रहेगा, इसको स्क्रैच नहीं करना है, ये दो भाग में रहता है। ठीक है, इसमें भी वही आपको कार्ड नंबर रहता है। ठीक है, इसमें एटीएम कार्ड रहेगा, कार्ड का लिमिट है जो आपका इसमें डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है, आप जो कार्ड लिमिट है मंथली के हिसाब से, एक पर डे में 35,000 मतलब 50,000 तक का आप निकाल सकते हैं, डेली शॉपिंग 35,000 का कर सकते हैं। ठीक है, ये चीप बेसिस कार्ड है, इसमें आपका वही खाता नंबर इसमें भी मेंशन रहता है, आपको कार्ड नंबर मेंशन रहता है। ठीक है, योर डेली टोटल क्रेडिट लिमिट आप एक दिन में 4,00,000 इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें आपको बहुत सा ऑफर रहता है, पेजैप है, स्मार्ट बाई है, ये सब में भी रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, ये आपको नेट बैंकिंग का पिन है, ये नेट बैंकिंग का पिन था और ये इसमें एटीएम का पिन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एटीएम डेबिट कार्ड का पिन नंबर रहता है, इसमें नेट बैंकिंग का पासवर्ड रहता है, इसके भी अंदर आपको खोलना पड़ेगा, इसको स्क्रैच न करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है 10,000 हमेशा रहना चाहिए, और एक दिन में भी आप अगर 10,000 निकाल दें तो आपको कॉल उधर से आ जाएगी कि आपके खाते में बैलेंस नहीं है। मैं तो मेंशन कर उनके में बैलेंस कम हो जाता तो बार बार कॉल आ जाता उनको कि आपने बैलेंस क्यों निकाले, आप मेंशन नहीं कीजिएगा तो आपका बैलेंस कट जाएगा। और दूसरी बात ये बता दूं कि ये जो एटीएम कार्ड है, आप एटीएम कार्ड लीजिएगा तो उसी वक्त आपका जैसे मतलब मैंने 1 जनवरी 2019 में ओपन कराया था और उसी वक्त हमको कॉल आ गया, मतलब मैंने चेक 10,000 का दिया था, 12,000 का चेक काट के स्टेट बैंक का, तो मेरा अकाउंट तो ओपन हो गया। मैंने उनको बोला कि मैं जॉब करता हूँ, सैलरी अकाउंट खोलना है, तभी वो किया खुला मेरा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एटीएम डेबिट कार्ड मिलता है, ये डेबिट कार्ड में आपको हमेशा मतलब 750 रुपये का मतलब उसी वक्त बैलेंस कट जाता है, एनुअल चार्ज। जी हाँ, और पर ईयर आपको 750 रुपये कटेगा। आप इसको किस तरह से आप
उपयोग करते हैं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा तो उसमें बहुत सा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या और भी कंपनी है, बहुत सा आपको ऑफर देती रहती है, तो आप उससे लेके ये रिवार्ड पॉइंट के थ्रू आप उस पैसे को, मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि डेबिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट किस तरह से रिडीम कर सकते हैं, तो उसी में आप इसमें देख सकते हैं कि आप मतलब किस तरह से आप बैलेंस उसका जो 750 रुपये आपका कटा है किस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। बाकी आपका हर साल 750 रुपये कटेगा और हमेशा 10,000 रहना चाहिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं HDFC में खाता खुलाने के लिए तो खुलाएं। और उसी तरह आपको मैं बता दूं, स्टेट बैंक में भी है जिसमें आपको 4,500 या 3,500 से अकाउंट ओपन होता है और वहां पर भी आपको इंश्योरेंस कराना है और हमेशा उतना 4,500 बैलेंस रखना है। उसी तरह मैं आपको बता दूं कि PNB में भी आपको पंजाब नेशनल बैंक, जी हाँ दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको 2,500-3,000 से खाता खुलता है और इसमें भी इतना आपको 2,500 मेंशन हमेशा करना है, लेकिन इसमें मंथली लिमिट रहता है। स्टेट बैंक और PNB इन दोनों में मंथली है। और मेरा जो बेस्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अगर CSP में खाता खुलाते हैं तो आपको 500 रुपये हमेशा रखना है और कोई चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ब्रांच में खुलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2,500 रुपये में खाता खुलेगा और इसमें जो बैलेंस है इसमें 2,500 रखना है और SMS चार्ज कटेगा तीनों बैंक में, ठीक है। मेरा HDFC में बैलेंस कोई SMS चार्ज का नहीं कटा है और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में SMS चार्ज कटेगा और इसमें ATM का जो है अगर बड़ा ब्रांच में है तो 200 रुपये कटेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम फ्री नहीं रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो आपकी जो भी चॉइस है, आपको जो बेस्ट बैंक लगे, आप CSP अगर खुला लेते हैं तो उसमें आपको ATM कार्ड मिलता है CSP ब्रांच में बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसमें आप एक दिन में 25,000 निकाल सकते हैं आधार कार्ड से 10,000 पर डे। जबकि SBI में ऐसा लिमिट नहीं है, उसमें एक महीने में 5,000 रुपया निकाल सकते हैं और आपको आधार कार्ड से अगर आपने उस रोज़ बैलेंस चेक करा लिया तो उस रोज़ पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं, नेक्स्ट डे निकालिएगा। तो आपको जो बेस्ट बैंक लगे आप उसी को यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। मुझे जो जानकारी अच्छी लगी तो मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें।